SBI बैंक के कस्टमर के लिए बहुत बड़ी खबर होके आई है। क्या खबर है इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे। वीडियो को शुरुआत करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। तो चलिए बिना देर के मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। जैसे कि आप हमारे स्क्रीन पर देख रहे हैं, जीन बिहार न्यूज़ का है, बिहार झारखंड न्यूज़ है। यहाँ दिया गया है कि बिहार झारखंड के SBI ग्राहकों के लिए ज़रूरी सूचना, 30 सितंबर तक करा ले ये काम वरना बंद हो जाएगा अकाउंट। अब क्या काम करना है जिसको ना करने के कारण बैंक अकाउंट बंद हो सकता है, चलिए वो भी जानकारी हम आगे पढ़ते हैं। यहाँ बिहार झारखंड न्यूज़ दिया गया है कि स्टेट बैंक ने वेबसाइट पर जारी नोटिफिकेशन में कहा है कि जिन ग्राहकों के अकाउंट से पैन कार्ड व आधार नहीं जुड़ा है, ऐसे ग्राहक जल्द से जल्द अपना पैन नंबर अपने अकाउंट से कनेक्ट करा लेना है। यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो है यह नोटिस जारी किया गया है कि जितने भी कस्टमर का जो बिहार और झारखंड के हैं, उन सबको अपने अकाउंट्स में बैंक के पैन कार्ड को और आधार कार्ड को जो है लिंक करने की आवश्यकता है। यहाँ दिया गया है पटना के न्यूज़, बिहार और झारखंड के करोड़ों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहकों के लिए एक बेहद ज़रूरी खबर सामने आई है। बैंक ने अपने वेबसाइट पर अपने यूजर के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया है। इस नोटिफिकेशन में SBI ने अपने ग्राहकों को 30 सितंबर से पहले ये ज़रूरी काम निपटाने के लिए कहा है। क्योंकि ये हमारे जब भी हम लेन देन करते हैं उसके लिए जो है पैन कार्ड की आवश्यकता ज़रूर पड़ती है। इसके लिए बैंक ने नोटिस जारी कर दिया है कि जितने भी स्टेट बैंक के ग्राहक हैं उन सबको 30 सितंबर से पहले आधार और पैन को अपने बैंक अकाउंट में लिंक करना है। बैंक ने वेबसाइट पर जारी नोटिफिकेशन में कहा है कि जिन ग्राहकों के अकाउंट से पैन कार्ड व आधार नहीं जुड़ा है, वैसे ग्राहक जल्द से जल्द अपना पैन अपने अकाउंट से कनेक्ट करा लेंगे। इसके लिए बैंक ने जो है 30 सितंबर तक का समय दिया है। इससे पहले जो बैंक ने क्या किया है, 2017 में भी लास्ट समय दिया था, डेडलाइन दी थी, लेकिन उसके बाद ये डेडलाइन बढ़ा दी गई थी जो कि ये लास्ट डेडलाइन है। इसलिए जितने भी SBI का अगर आपका अकाउंट SBI में है या चाहे किसी भी बैंक में है, तो आप अपने बैंक अकाउंट को में जो है अपने पैन कार्ड को और आधार कार्ड को कनेक्ट करा ले, जिससे आपको लेन देन में भी कोई परेशानी नहीं होगा और अकाउंट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो जो भी जानकारी मुझे मिली इस वेबसाइट के माध्यम से, मैंने दिखा दी इस न्यूज़ के वेबसाइट के माध्यम से। अगर जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें।